नमस्कार। सो नीट का रिजल्ट आ चुका, हम जानते ही हैं। और जैसा मैंने कहा कि मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ जो शायद अभी कोई और नहीं बताता, और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा उन सबके लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं अपने सीट को लेके, कट ऑफ को लेके। और एक चीज़ है जो मैंने इतनी बार इतने वीडियोज़ में बता चुका, अगर आप मेरा चैनल में पुराने वीडियोज़ देखेंगे, कि जब भी आप बात करते हो ना, मैं हमेशा तीन चीज़ें पूछता हूँ स्टूडेंट से, आपका स्कोर कितना है, आपका डोमिसाइल कितना है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है कैटेगरी रैंक या ऑल इंडिया रैंक। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इस साल 2023 में 2022 के मुकाबले कम से कम 30 से 35%, जी हाँ 30 से 35% आपकी रैंक कम है सेम नंबरों पे। ऊपर से शुरू करते हैं, तो मैंने ना चार पांच ही लक्ष्य, आपको पता है मेरे को वीडियो लंबा खींचने की आदत नहीं है। एक मेरे पास डेटा है, हमारे स्टूडेंट है, उसका 629 नंबर आया, कितना 629, ठीक है, इसको नोट करते जाइए, 629 नंबर पे 14,000 समथिंग रैंक है, 629 नंबर पे। यही 629 नंबर लेके, और अभी मैं सिर्फ ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, अभी कैटेगरी रैंक वगैरह को बोलूँगा तो और मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन 629 नंबर रैंक पे पिछले बार 9,800 की रेंज में रैंक थी, इस बार 14,000 की रेंज में रैंक है। एग्जैक्ट बोलूँ फिगर तो 14,300, दैट मीन्स 9 से 14,000 इज़ एक्चुअली 50%। आपके ऊपर 5,000 बच्चे आ गए, 5,000 बच्चे कम नहीं होते टॉपर्स के लिए, जहाँ पर हम सरकारी कॉलेजेस के टॉप सरकारी कॉलेज की बात कर रहे हैं। अब एक थोड़ा अगला डेटा लेते हैं, ये वैसे थोड़ा दूर का हो गया, 173 नंबर, 173 नंबर पर इस बार जो ऑल इंडिया रैंक है वो 8,25,000 है, 8,25,000। लास्ट ईयर इसी 170 मार्क्स पर, एक सेकेंड, मेरे पास वो लास्ट ईयर की ना रैंक और उसकी लिस्ट है पूरी, फिर मैं एग्जैक्ट बताऊंगा। देखो वो तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया है कि कट ऑफ ऊपर गई है 137, वो भी नीट ज़्यादा तो ज़्यादा है, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस द इंटेंसिटी, ठीक है ना। अब 173 मार्क्स पे लास्ट ईयर अब 6,30,000 की रैंक में थे, इस बार 8,50,000 की रैंक में हो, 8,25,000, 6,30,000, 2,00,000 अब डाउन हो गए, 6,00,000 का 2,00,000 वही होता है 33%, आपके बीच में अब 2,00,000 बच्चे और हैं जो आपके ऊपर है, राइट, याद रहेगी फिगर। अब 170 तो हमने देख ही लिया, 512 देखते हैं जो थोड़ा सा टॉपर से ज़रा से नीचे हो गया, 512 नंबर इस साल 97,000 है, क्योंकि ये नंबर ना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका और टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी में, मतलब कस्तूरबा तो मिल ही जाता है जी, या पिछले साल जे एस मैसूर या के एस हेगड़े मिल ही गया था, क्योंकि 512 नंबर इस बार 97,000 रैंक आपको दे रहे हैं, और पिछले साल इसी 512 नंबर ने आपको 74,000 रैंक दे दी थी। तो लास्ट ईयर 512 74,000, इस साल 512 92,000, तो 74,000 और 92,000 के बीच में 18,000 बच्चे आ गए जी, एक आध नहीं 18,000, क्लियर हो रहा है। तो इन तीन डेटा से ही आपको एक बहुत आइडिया लग गया होगा, आइडियाज़ में आपको और भी मतलब एग्जैक्ट मार्क्स का दे सकता हूँ, 173 का दे ही दिया मैंने, तो उसके आसपास का एक और 178 का देने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, मैंने भी चार पांच ही सामने खोले थे और काफ़ी 200-250 की रेंज में हमारे पास हैं बच्चे। एक और बचा है 299, एग्जैक्ट 299 ऑल इंडिया रैंक है 4,23,000, 299 4,23,000, पिछले साल यही 299 पे था 3,23,000, 3,24,000, लास्ट ईयर 3,24,000, इस साल 4,23,000, दैट मीन्स 1,00,000 डाउन। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं डाउन पड़ता जा रहा है, लेकिन हमने भी देखा 512 पे 25,000 डाउन थे, लेकिन परसेंटेज में वही 20%, 299 नंबर पे 1,00,000 डाउन है पर परसेंटेज में 33%। तो दूसरी बात मैं हमेशा समझाता हूँ, इंडिया में तो इस साल भी 1,10,000 सीटें हुई हैं अभी, और 1-2,000 आ जाएंगी मिला के, लोग कहते हैं जी सीटें बढ़ गई। अब 1,10,000 में मोटा मोटी फिलहाल हाफ सरकारी पकड़ लेते हैं, हाफ प्राइवेट, सरकारी तो कोई छोड़ता नहीं है, तो अगर सरकारी 55,000 सीटें हैं फिलहाल, ST ST वाला वो लफड़े छोड़ दो, हम मान के चलते हैं टॉप 60-70,000 रैंक में सब खत्म हो जाएगा,
मतलब डिपेंडिंग ऑन दी कैटेगरी रहेंगे राइट। उसके बाद लास्ट ईयर तक 3 लाख 4 लाख 5 लाख रैंक को सीट क्यों मिलती है, मैं हमेशा समझाता हूँ ना कि आपसे जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनको सीट मिल रही होती है बट दे कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट एजुकेशन, तभी तो आपको मिलती है, वो बात अभी भी जायज़ है। लेकिन पहले लास्ट ईयर तक 299 नंबर वाले के ऊपर टोटल 3,23,000 बच्चे थे, उसमें से कुछ सरकारी में चले गए और बाकी लोगों ने कुछ छोड़ दिया, तभी आपको एक एक्स कॉलेज मिल गया। हम कहते हैं जी 300 नंबर पे लास्ट ईयर यूपी की मैं बात करूँ तो हमको फलाना वो केडी मथुरा मिल गया, या हम हरियाणा की बात करें तो जो जी एसजीडी पक्का मिल गया। लेकिन इस साल तो आपके ऊपर 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख, उस 1 लाख बच्चों में से अगर 10,000 भी प्राइवेट एजुकेशन के लिए एलिजिबल या उनके पास पैसा हुआ तो आपकी सारी सीटें ख़त्म। तो मैं बार बार कह दूँ, चाहे आप हमसे काम कराएं किसी और से काम कराएं, स्कोर से कभी मत आइडिया लीजिए, हमेशा आइडिया लीजिए ऑल इंडिया रैंक से और उसके हिसाब से आप एस्टिमेट कर पाएंगे आपको कौन सी सीट मिलने वाली है। ये मत सोचिए सर इतने नंबर हैं ये सीट तो कन्फर्म है ही, ज़्यादा सर झगड़े नहीं पालने, ये देख लेंगे नहीं तो फलाना तो मिल ही जाएगा, ये देख लेंगे फलाना मिल ही जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम 4 से 5 काउंसलिंग को लेकर चलिए, जो भी ओपन स्टेट है, पंजाब गुजरात उड़ीसा तो वैसे ही क्लोज्ड हैं, अगर नॉर्थ के हों आप हरियाणा यूपी उत्तराखंड चाहे बिहार राजस्थान आफ्टर राउंड टू ये सब लेकर चलिए, मे बी एक साउथ का डीम्ड के, क्योंकि आप कुछ नहीं कह सकते, कोई गारंटी नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कभी कभार क्या होता है ना कि लोग ना कॉलेज में फ़ोन करते हैं, तो मैं आपको एक और राज की बात बता रहा हूँ, कॉलेज खासकर जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी ना बड़ी अजीब समस्या है, बहुत विचित्र समस्या है, और आप सभी जानते हैं जैसे कुछ भी कोई क्लीन कॉलेज है उत्तराखंड जहाँ ना कोई NRI सीट है ना कुछ है, उन पर उनको भी अपनी सीटें तो भरनी है ना, हमको लगता है हमें सीट चाहिए, बट एक कॉलेज की तरफ से देखिए वो भी चाहते हैं कि उनको अच्छे बच्चे मिले, ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे मिले, बट अल्टीमेटली वो ये भी चाहते हैं कि उनकी सीट भरे। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, MBBS प्राइवेट बहुत महंगी फीस होती है, खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चे को जो पढ़ाई कर रहा है उसको 2 साल बाद कुछ हो जाए और वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपको पता है कि फिर भी आपको पूरी फीस देनी पड़ती है कॉलेज को, कोई मनी मेकिंग चीज़ है। एक कॉलेज की एक साल एक सीट खाली रह जाए तो उसका 5 साल की फीस के हिसाब से 70-80 लाख 1 करोड़ का नुकसान है। सीट क्यों खाली रहती है? सीट खाली रहती है काउंसलिंग के झमेलों की वजह से, कि राउंड 2 राउंड 3 एक बच्चे को 3 सीटें मिल गई, उसने ये सीट ख़राब कर दी, 2 जगह ख़राब कर दी, और जो कुछ चाहिए थे उन्हें नहीं मिली, जिसकी वजह से NMC ने अनाउंसमेंट कर दिया कॉमन काउंसलिंग करो, वो इस साल तो पक्का नहीं होने वाली, शायद अगले साल भी होने वाली। NMC तो उन्होंने ये भी कल नोटिस निकाल दिया कि 1 अगस्त से क्लासेस चालू करो, कहाँ से हो जाएंगी, अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई। तो ये भी आप इस वीडियो में सुन लीजिए, कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होने वाली। अब मुद्दे पे फिर से आ जाते हैं। अब एक कॉलेज है 300-325 नंबर वाला, 250 नंबर वाला, उसमें अक्सर एक एडमिशन इंचार्ज बैठा होता है, मैं कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, बट हरियाणा के हर कॉलेज में आप जाओगे या यूपी कॉलेज में जाओगे आपको एक इंसान मिलेगा जिसकी चेयरमैन ड्यूटी लगा रखी होती है कि आप लोगों से बात करो जो वॉक इन करने आए कॉलेज देखने आए, और तुम्हारा काम है कि हमारी सीटें भर जाएं और हमारी कोई एक आध खाली ना रह जाए इस कन्फ्यूजन में। अब उसको तो ये टारगेट है मैंने सीटें भरनी है, तो एक तरफ ये है कि हम डोनेशनों की बात कर रहे हैं, साइड गेट एंट्री की बात कर रहे हैं, और एक तरफ ये भी होता है कि वो सीटें भर जाए। तो लास्ट ईयर कुछ कॉलेजों में जब स्ट्रे मॉप अप चल रहा था, 2-4 सीटें बची हुई थी, तो कॉलेज का बंदा ही आपको विश्वास कर रहा है सर ड्राफ्ट लेके पहुँच जाओ सीट आपकी पक्की है, ड्राफ्ट लेके पहुँच जाओ सीट आपकी पक्की है, उसे ये बात 40 को बोल दी, सीटें 4 थी, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि 40 में से पता नहीं 10 भी आए ना आए, उसको तो अभी 4 सीटें भरनी है ना, वरना उसे लाला जी का 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा और वो 1 करोड़ का नुकसान वो आपकी जॉब जाएगी। उसे 40 को बुला लिया, उन 40 में मेरा भी क्लाइंट था, मैं साफ कह रहा था सर उस कॉलेज में कुछ नहीं होता, आप मान लो मेरी बात। वो ड्राफ्ट लेके पहुँच गए, वहीं से फ़ोन आता है सर यहाँ तो एडमिशन हो नहीं रहा, और जो बंदा जो कॉलेज में बैठा है वो पिछले 10 दिन से उल्टे फ़ोन कर रहा है कि जी पक्का आना सर पक्का आना। मैं कहा बेसिकली जी वो अपनी इंश्योरेंस ले रहा था, उसको आपके बच्चे करियर से कोई मतलब नहीं, उसको तो ये था कि उस दिन मौके पे अगर 4 सीटें बची हुई हैं तो कम से कम 20 लोग आएँ ड्राफ्ट लेके, कम से कम 4 तो आएँ, इसलिए वो सबको कह रहे आओ आओ आओ, लोग आ गए उसके 4 सीटें भर गई, उसे 4 ड्राफ्ट ले लिए, उसे हाथ झड़े समोसे खाने गया। आप उसके चक्कर में आपने 4 ऑप्शन और छोड़ दी, अब आखिरी राउंड तक वेट करते रहे, आपको सीट मिली नहीं, आपका बच्चा और उनका बच्चा एक्चुअली ड्रॉप कर रहा है इस साल, उसने दोबारा पेपर दिया था। तो कॉलेज वाले तक भी झूठ बोलते हैं, कस्तूरबा वाले ऐसे नहीं बोलेंगे, वो तो खैर वहाँ अब नौबत ही नहीं है ये सब बात करने की, मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन हरियाणा के सारे प्राइवेट कॉलेज की, यूपी के 90% प्राइवेट कॉलेज की। आप जाओ सर 300 नंबर एडमिशन हो जाएगा, हाँ पक्का हो जाएगा,
फॉर्म भरो, काउंसलिंग भरो, 200 नंबर हो जाएगा, हाँ पक्का हो जाएगा, फॉर्म भरो, काउंसलिंग भरो, हरियाणा लो, राजस्थान लो, एडमिशन हो जाएगा, हाँ भरो भरो, फीस ट्रांसफ़र करो जी, पक्का हो जाएगा। बेसिकली ये कॉलेजेस अपनी इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं ताकि अगर एक हमारी सीट खाली जाने की नौबत आ जाए तो मैं आपको दे दूँ, वो सीट की गारंटी नहीं दे रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि हाँ चौथे राउंड में आ जाना जी, पक्का ड्राफ्ट लेके आ जाना, ताकि अगर उनकी सीट तब तक खाली बची हुई है तो आप मौजूद हो, आपको ये गलत फहमी हो गई कि मेरी सीट पक्की हो गई है। तो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए, इस साल 25-30% टॉपर से लेकर नीचे तक परसेंटेज में रैंक गिर चुकी है, दैट मीन्स नंबरों में मत जाइएगा। अगर लास्ट ईयर 596 जनरल कट ऑफ थे ऑल इंडिया कोटा, तो इस बार ऑब्वियसली फिर वो शायद 615 नंबर जा सकती है, तो नंबरों में मत जाइएगा, हमेशा रैंक देखिए। सीटें जब भरती हैं तो सरकारी सीट भरने का तो सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होता है जो सरकारी वाले होते हैं, मतलब जो ऑल इंडिया रैंक अगर लास्ट ईयर 50,000 रुपये सरकारी सीट भरी थी तो इस साल अगर 5,000 सीटें भरी हैं तो 56,000 रुपये ख़त्म हो जाएगी ना, वो 6,00,000 रैंक वाले कोई फ़ायदा नहीं है सरकारी सीटें भरने का। और प्राइवेट में अगर गिन के 4,000 सीटें भरी हैं तो कॉम्पटिशन बहुत बढ़ रहा है। सो प्लीज़ यू हैव टू फॉलो द काउंसलिंग प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो द राइट अप्रोच, हमें लीजिए जिस मर्जी को लीजिए, जो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको कम से कम 3-4 या 5 जगह काउंसलिंग भर के रखिए। कोशिश फिर भी ये कीजिए कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट ख़राब ना हो, आपको ऑप्टिमल सीट मिले, जो मैं बार बार कहता हूँ, बट नंबरों पे मत जाइए, हमेशा रैंक देखिए, ठीक है? तो आप ये जो भी काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, चाहे खुद अपना काम कर रहे हैं, रैंक देखिएगा। इस साल 30-35% रैंक गिर चुकी है सेम मार्क्स पे, ओके? और कॉलेजेस अगर आपको जो खासकर जो ये एवरेज वाले कॉलेज है वो आपको सांत्वना देते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं, वादा करते हैं सीट पक्का मिलेगी, एक लास्ट की पंच लाइन बोलता हूँ, किसी कॉलेज ने मुझे बोला सीट पक्की मिलेगी, किसी फ्रॉड एजेंट के यहाँ बोलेंगे कि सर मेरे साथ चलो कॉलेज, कॉलेज वाला भी बोल देगा पक्की सीट है, साइड पे भी बोल देगा पक्की सीट है, आपने एक डायलॉग मार दो, सर जितने आपको पैसे दे रहे हैं ना हमें रिफ़ंड नहीं चाहिए, अगर मुझे सीट नहीं मिली ना तो मैं आपको गोली मार दूँगा या मरवा दूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे का आपने सालों कैरियर ख़राब कर दिया। ये लाइन सुनने के बाद फिर देखते हैं कितने लोग आपसे फ़ीस ट्रांसफ़र कराते हैं, कितने लोग आपको गारंटी की सीट देने की बात करते हैं। एक बार ना अपने कंसल्टेंट को ये कह के दीजिए कि अगर मुझे सीट नहीं मिली जो आप वादा कर रहे हो तो मैं सिर्फ फ़ीस रिफ़ंड नहीं लूँगा तुमसे अपनी, या सर्विस चार्ज रिफ़ंड नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर जाऊँगा पर्सनल लेवल पे। फिर आप देखिएगा कि कैसे ये 80% जो फ्रॉड एजेंट्स हैं मार्केट में, उनकी भाषा और बोली बदल जाती है। एक बार ये लाइन, ये डायलॉग बोल के देखिए। आपका दिन शुभ हो, और हमसे काम कराना चाहते हैं 9643362320। 2,500 रुपये हैं फ़ोन कंसल्टिंग के पहली, 5,000 रुपये हैं फेस टू फेस कंसल्टिंग के, और जो भी आपके मार्क्स हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके हिसाब से पैकेज डिसाइड होगा, 30,000 से लेकर 1,50,000 रुपये तक का, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कितने मार्क्स हैं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।